हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ़ प्रोजन आई एन फ्रेंड्स इस वीडियो में हम प्रोजन आइन टी के बारे में डिस्कस uh, करेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या बोला था और आगे की स्ट्रेटजी भी क्या रह सकती है प्रोजन आइन टी पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को, को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आपको सिर्फ एक सेकेंड लगेगा फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बना के ला सकूँ तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बोला था बाय करने के लिए प्रोजो नाइनटी तब ये ट्रेड कर रहा था 16, 17 और 18 रुपीज़ के बीच में और उसके बाद एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला था और जब इसने 30, 35 क्रॉस किया था उसके बाद मैंने सबको बोला था कि जैसे जैसे आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप आपका प्रॉफिट बुक कीजिए लेकिन उस प्राइस लाइक जो प्राइस थी थर्टी फाइव उस प्राइस पर कोई अब बाय ना करे क्योंकि जो क्वार्टर के रिजल्ट थे प्रोजन आइन टू के मार्च में वो कम आए थे तो उसी के बेसिस पे भी मैंने बोला था कि शायद ही जहाँ तक भी ऊपर जाएगा उसके बाद डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद बहुत शार्प गिरावट हमें देखने को मिली थी और वो सीधा थर्टी रुपीज़ पे आया था अभी थर्टी रुपीज़ पे आया और फिर थर्टी रुपीज़ से वो फिर से थर्टी नाइन गया था और उसके बाद फिर से हमें उसमें जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल ये 33.10 पे ट्रेड कर रहा है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि क्वार्टर के रिज़ल्ट आए और वो सब तो अभी फिलहाल इसमें और गिरावट आ सकती है और जो बेस्ट प्राइस मुझे लगता है इस शेयर को बाय करने के लिए वो यही है जो इस टाइम फ्रेम में था इसके ऊपर जब भी भी हम बाय करना चाहेंगे बल्क में या फिर जो भी रिटेल इन्वेस्टर है इसके ऊपर अगर बाय करते हो आप तो आप रिस्क लेके चलोगे लेकिन आप अगर ऐसा चाहते हो कि आप है जो प्राइस पे बाय करेंगे और वन टू तो टू रुपीज़ का गेन लेके फिर एग्जिट करेंगे तो वो आप कर सकते हो लेकिन वो बहुत रिस्की रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट कर सकते हो डेफ़िनेटली इसमें जो है और गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी जो जून क्वार्टर के रिजल्ट है वो आने वाले हैं तो देखते हैं वो रिज़ल्ट के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं और तब तक देखते हैं कि शायद इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी या ना मिलेगी लेकिन फिर यही पे फिर मैं ये सेम एडवाइस करूँगा जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी की थी फ्रेंड्स इस हायर रेस लाइक जो भी थर्टी एंड अबो प्राइज़ है उसके उप, उसके ऊपर आप एंटर मत कीजिए ताकि वहाँ से अगर गिरावट देखने को मिले हमें तो आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि जुलाई फिफ्टीन ट्वेंटी से लेके ऑलमोस्ट मे सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक वो सेम ही प्राइस रेंज में था मतलब सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी उसी प्राइस में रेंज में था तो एक साल के बाद ऑलमोस्ट एक साल के बाद हमें इसमें रैली देखने को मिली तो अगर कोई हायर प्राइस रेंज पे अगर बाइक करता है और गलती से शेयर अगर नीचे चला जाता है तो आपको बहुत लंग जो लंबा टाइम फ्रेम है उसमें होल्ड करके रखना पड़ेगा उस शेयर को या फिर आपको अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट बुक कर से सॉरी लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा तो वो अवॉइड करने के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपका एनालिसिस कीजिए फिर अगर आपको लगता है आपके एनालिसिस के बेसिस पे हाँ 33 थ्री करेक्ट प्राइस तो आप एंटर कर सकते हो आ, या फिर आप वेट भी कर सकते हो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू सो यही जो डिटेल्स थी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को प्रोजे नाइन के बारे में बताना चाह रहा था स्ट्रेटेजीज़ को लेकर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो